नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया है, 6 बज गए हैं और आज है पहला नवरात्रा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। और सुबह की पूजा हमारी हो गई थी, अब शाम का टाइम हो गया तो अब हम करेंगे शाम की पूजा की तैयारी। और हम दोनों का व्रत है, सुबह से तो हमने फ्रूट और मतलब चाय और दूध पिया है। मैंने चाय ली, इसके पापा ने दूध और फ्रूट खाए हैं। और बस आज का व्रत बहुत अच्छे से हुआ अभी तक तो, और बस यही आशीर्वाद मांग रही माँ से, मगर ऐसे ही जो पूरे 9 दिन है ऐसे ही निकल जाए। और बस अब मैंने ईशु को भी दिए हैं फ्रूट वगैरह काट के। ये पूरे फिनिश क्यों नहीं किया तूने? असल में आज ये जो आज पता क्या हुआ, आज केले लेके आए वे भी कच्चे, और जो पपीता लिया फिर ये भी कच्चे। नहीं मैं फिर बाद में यहाँ गई थी ना दुकान पे, उस पर भी सेम ऐसे ही देनु कह रहा था वो सब्जी वाला अंकल, क्या भाई सब जगह ऐसे ही आ रहे, यूं कह रहा था अक सब जगह ऐसे ही। तो मैं केले आज हमारे पे खाई नहीं गए, फिर पपीता लिया था मैंने, ये पपीता भी ऐसा ही निकला। और ग्रेप्स तो अभी ईशु को दिए थे, ईशु ने अभी नमस छाट छाट के खा लिए, पक्के पक्के और कच्चे छोड़ दिए। और ईशु अभी उठी थी सो के, ये आके सो जाती है, सोती तो है नहीं, मैं ऐसा जबरदस्ती सुलाती हूँ। तो अब ये करेगी अपना होमवर्क है ना ईशु। और गुड्डू गई हुई है ट्यूशन, उसका अभी पता नहीं किस टाइम तक आएगी, वो तो शाम की जा रखी है, लेट ही आएगी शायद। तो अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना, और शाम के खाने में पूजा का जो व्रत में खाते हैं वही बनाऊंगी। बच्चे हैं दोनों, कन्हैया यहाँ पे नहीं है, तो बच्चों के लिए अलग से रोटी या पूरी जो भी कहेंगे वो बना दूंगी, और अपने लिए बनाऊंगी सिंधे नमक की सब्जी और दही के साथ खा लेंगे। पूरी बनाऊँ क्या? कुट्टू की पूरी, कुट्टू की पूरी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी या पराठे मेरे से नहीं बनाने आते, पूरी भी मतलब मुश्किल ही बनाती हूँ। और सिंधे नमक के आलू बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी कुट्टू की, और बच्चों के लिए सिंपल पूरी कहेंगे पूरी बना दूंगी, रोटी कहेंगे रोटी बना दूंगी। और दोपहर का तो इतना काम नहीं था, आज सुबह ही हो गया था, सुबह ही था थोड़ा सा काम ज़्यादा, क्योंकि सुबह ही थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हुई। सुबह दोपहर में तो बच्चों के लिए सब्जी मैंने आज सुबह ही बना दी थी दोनों के लिए, और दोपहर में बस रोटी रोटी बनाई थी जब ईशु आई थी, तो दोनों ने तभी खा ली थी। और अब बस सबसे पहले मैं करती हूँ सब्जी काट के तड़का लगा के, तब फिर हम करेंगे पूजा, शाम की आरती करेंगे, और उसके बाद फिर मैं जो पूरी वगैरह बनेगी वो बनाऊंगी। तो लग जाती हूँ, क्योंकि व्रत थोड़ा जल्दी मतलब व्रत में जो खाना खाते हैं थोड़ा जल्दी खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया, आलू मैंने काट के तैयार कर लिए, और जो तड़का लगाती हूँ मैं वो देसी घी में ही लगाऊंगी सब्जी में। और सिर्फ जो आलू बनाती हूँ उसमें मैं जीरे का ही तड़का लगाती हूँ, बाकी मैं धनिया वगैरह या टमाटर कुछ नहीं डालती। और जीरा भूनने के बाद पहले घी डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से चटकाने के बाद फिर उसमें डालूंगी हरी मिर्च। लाल मिर्च भी हम नहीं डालते, हमारे यहाँ से लाल मिर्च भी नहीं खाते, टमाटर भी नहीं खाते। वैसे यहाँ पे सब बोलते हैं कि टमाटर और लाल मिर्च वगैरह तो डाल लेते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। सिर्फ हम सब्जी में जो सिंधा नमक होता है वो वाला, और सिर्फ हरी मिर्च डालते हैं। तो वही मैंने डाल दी, देखे आलू डाल दिए हरी मिर्च डालने के बाद, और फिर डाल दिया इसमें ये सिंधा नमक। ये डब्बे में ही रखा मैंने, डब्बे में से ही डाल लिया, क्योंकि मसालेदानी में डालूंगी तो और भी मिक्स हो जाएगी सारी चीज़ें। और थोड़ा सा डाल दिया पानी, जिससे कि मतलब सूखी नहीं बनानी ना बहुत ज़्यादा तरी वाली, हल्की सी तरी की सब्जी बनानी है मुझे। तो यहाँ पे बस तड़का लगा दिया, और अब करते हैं हम पूजा की तैयारी, जो शाम की संध्या और आरती होगी हमारी वो वाली।
तो यहाँ पे देखिए आरती चल रही है। सबसे पहले पढ़ा है हमने दुर्गा चालीसा, उसके बाद आरती की है। यीशु भी हमारे साथ है, तो यहाँ पे शाम की आरती हमारी चल रही है सबकी। और मन लग रहा है, खूब जगमग हो रही है माँ के मंदिर में। और नवरात्रों की तो खैर पूरे शहर में ही सब जगह ही पूरी धूमधाम मची हुई है, पूरी धूम मच रही है। तो बस अब आरती पूजा करने के बाद फिर लेंगे हम प्रसाद। ये प्रसाद है जो, ये है पंचमेवे का, जो पंचमेवा हम चढ़ाते हैं सुबह माँ को, भोग लगाते हैं, उसी से ही शाम को हम व्रत खोलते हैं। तो यहाँ बस हो गई है पूजा पाठ, अब आ गई मैं किचन में। यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया है आटा। सबसे पहले मैंने कुट्टू का आटा बनाया, और वो वाला आटा भी बना के रख दिया जो बच्चों के लिए पूरी बनाऊंगी। अपने लिए बनाऊंगी कुट्टू की पूरी, और बच्चों के लिए बनाऊंगी सिंपल पूरी। पहले मैं इनको पूछ रही थी, मैंने कहा कैसे बनाऊं, तो ये कहने लगी मम्मा रोटी बना देना जो भी, कुट्टू की तो दोनों ने ना कर दी थी। तो फिर मैंने बस इनके लिए सिंपल आटा बना दिया। मैं कहा चलो वो चार पूरी इनके लिए बना दूंगी, पहले अपनी बना लूंगी फिर इसी तेल में इनके लिए उतार दूंगी। और सब्जी बन गया, मैंने उसमें खूब अच्छे से मार दिया है चमचा। और अब बस देखती हूँ कुट्टू की पूरी बना के, मेरे से ना बहुत अच्छी नहीं बनती, जैसा फुल्ली फुल्ली सी सॉफ्ट सी बन जाती है वो नहीं बनती। देखी मैंने कई बार, मेरी ताई जी है ना जो, मैं इतनी अच्छी पूरी बनाती है कुट्टू की, बहुत अच्छी। और मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से ना वो वाली नहीं बनती, जैसे मैं थोड़ी सी हार्ड सी बन जाती है। तो फिर भी चलो देखती हूँ कोशिश करके। यहाँ पे जो ये है पूरी बनाने की, ये भी मैंने धो ली थी अच्छी तरीके से, धो के पूछ के रख दी थी इसको, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे पूरी बनानी। तो यहाँ देखिए बनाना शुरू कर दिया, ऑयल हो गया गर्म, और मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही। वैसे पता नहीं मुझे रिफाइंड ऑयल खाते हैं या नहीं, सरसों का तेल तो नहीं खाते ये तो पता। और घी मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि घी ज्यादा हैवी हो जाता है, फिर नहीं खाई जाती है, और रोटी मेरे से बनानी नहीं आती, इस वजह से फिर मैं पूरी बना रही रिफाइंड में ही। तो पता नहीं जी बस खाते होंगे नहीं, तो मैंने बना दी है। और बस देखिए मैं सेक रही हूँ, सबसे पहले लगाऊंगी कान्हा जी की थाली। तो देखिए जी खाना हमारा तैयार हो गया, दही है, आलू की सब्जी और ये पूरी। ये मैंने कान्हा जी के लिए कर दिया प्लेट तैयार। सबसे पहले कान्हा को भोग लगेगा, उसके बाद फिर मैं इसके पापा को दूंगी बना। तो कान्हा जी को मैं दे आई, अब मैंने इनके लिए बनानी शुरू कर दी, इनको दे दूंगी। बस दो पूरी इनकी बनाऊंगी, दो अपनी, क्योंकि दो ही बहुत, एक ही पूरी खाई जाती है। बल्कि मैं तो इनको यूं कह दी, मैंने कहा शाम को पूरी देखेंगे, कल से तो मुश्किल ही बनाऊंगी, क्योंकि खाते हुए ना जैसा पूरा दिन तो खाली पेट रहते हैं, शाम को पूरी खा लेते हैं तो थोड़ा हैवी सा हो जाता है। मैं कहा कल से सब्जी और दही खा ले करेंगे, या फिर देखूंगी अगर रोटी बनाई गई तो रोटी बना लूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने बना दी, और बस इनके लिए भी थाली लगा के दे दी। यहाँ पे कुछ बात कह रहे बोल रहे हैं वे, तो वही हमारी हंसी मजाक चल रही है। और आज शाम तक ही मैंने साड़ी पहन ली, मैं कहा चलो देखते हैं, कोशिश करूंगी कि पूरे 9 के 9 दिन साड़ी पहनूं, क्योंकि बस पूजा का ही है। मैं कहा चलो नवरात्रों में, और थोड़ा सा आदत भी हो जाएगी, फिर भी पहन लूंगी। तो यहाँ पे देखिए उनके अपनी बन गई है, और मैंने उनको दे दी इसके पापा को, वे कर रहे हैं खा रहे हैं, और अपनी भी मैंने बना के रख दी है साइड में। और अब बना रही हूँ बच्चों के लिए, अपनी सब्जी और रोटी मैंने दोनों साइड रख दिया ढक के, जिससे कि बाद में मैं आराम से खा सकूँ, किसी का हाथ वगैरह ना लगे। तो यहाँ बन गई है बच्चों की, और देखिए बच्चे भी बैठ गए हैं, इसके पापा भी वे बैठे हैं, तो इन दोनों को भी दे दी। और ईशु ने ये जो सिंधे नमक की सब्जी है आलू वाली, ये नहीं खाई थी, उसके लिए सुबह की सब्जी रखी थी शिमला मिर्च की, वही उसने खाई थी, वो नहीं खाई। तो बस जी देखिए सबका हो गया, अब मैं भी कर लूंगी, मैं भी खा लूंगी, और उसके बाद करूंगी बर्तन। सो फ्रेंड्स देखिए 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह रही बस, और शाम का टाइम होगा। खाना पीना सबका जो कुछ खाना था जिसे वो खा लिया, बरत वालों ने भी और बिना बरत वालों ने भी, जिसे जो कुछ खाना था खा लिया। और आंसू लग रही है मुझे बर्तनों की सफाई में, रसोई साफ कर दी इन्हें, थोड़ी घनी रह रही कर देगी। अब थोड़ा सा ऊपर घूमेंगे, और घूमने के बाद फिर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे मतलब। तो ये वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।